बच्चों आज हम पढ़ेंगे खेल कूद में परीक्षण और मापन का महत्व। सबसे पहला हमारा पॉइंट है उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें शारीरिक शिक्षा गतिविधियों के लिए पाठ्यक्रम की योजना बनानी पड़ती है। इसका मतलब है कि हम अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले पाठ्य योजना बनाते हैं, तभी हम खेल कूद में अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएंगे। दूसरा है पाठ्यक्रम को लागू करने के लिए कक्षा आयोजित करनी पड़ती है। पाठ्य यानी कि हम क्या करते हैं, पाठ्यक्रम बनाते हैं, उसके बाद बच्चों को इकट्ठा कर एक एक्टिविटी करवाते हैं, उसमें से हम देखते हैं कि कौन सा बच्चा अच्छा कर रहा है। उन बच्चों की एक्टिविटी में से हम अच्छे बच्चों को अलग कर लेते हैं। किसके द्वारा, परीक्षण और मापन के द्वारा हम उन बच्चों को अलग कर लेते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है कार्यक्रम का मूल्यांकन करने के लिए परीक्षण तथा मापन करना पड़ता है। इसका अर्थ है कि हम बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए उसकी विशेषताओं को जानने के लिए परीक्षण और मापन का एक टेस्ट लेते हैं। जैसे हम बच्चों को रनिंग करवा देते हैं, उसमें से जो बेस्ट बच्चा है हमें पता चल जाएगा कि कौन सा बच्चा अच्छा है, हम उसको अलग कर देंगे। मापन यानी कि उनकी क्षमताओं को देखना कि बच्चा कितनी देर तक, कितने सेकंड तक एक्टिविटी कर रहा है, तो वो क्या हो गया, मापन करना। फिर है छात्रों की गतिविधियों का मूल्यांकन करना पड़ता है तथा जरूरत पड़े तो उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हम बच्चों का मूल्यांकन करके उस एक्टिविटी को और बेस्ट बनाने के लिए हम उस पाठ्यक्रम में चेंज कर सकते हैं कि बच्चों को कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर पाए, अच्छी परफॉर्मेंस दे पाए। इसको करने के लिए हमें कुछ एक्टिविटियों में चेंज करना पड़ता है और जो लो बच्चा है उसको भी उनमें से भी छांटने के लिए हम बच्चों का परीक्षण और मापन का प्रयोग करते हैं। हम खेल कूद में इस तरह से परीक्षण और मापन के द्वारा बच्चों को छांट सकते हैं।